मेरा बरंडा का कंडीशन देख सकते हैं और अभी मैं इसको एकदम थोड़ा क्लीन और नीट कर दूंगी। तो देखिए तुरंत नीट एंड क्लीन हो गया। सो गाइज मैं यहाँ पे पोछा उछा सब कर रही थी। मेरा बर्थडे फ्राइडे को था, सेलिब्रेट की थी, पर मंडे को मेरा बर्थडे था जिस दिन सोमारी था। लेकिन सोमारी और मंडे और ट्यूजडे का फास्ट के कारण मैं फास्टिंग के कारण बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। और आवाज़ मेरा बहुत भारी होने की मेरा बहुत तबीयत ख़राब है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लेट हो ब्लॉग जाने में, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा गैलरी क्लियर हो जाए, कि जल्दी से ये ब्लॉग यूट्यूब पर चला जाए। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना, रोटी चावल भुजिया सब्जी वगैरह, और पट्टा में बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, 3-4 दिन से बहुत हो रहा है, हद से ज़्यादा बारिश हो रहा है। एक मिनट, पता मेरा फ्लिपकार्ट वाला घर पे लिया है क्या आपका पार्सल है? तो देखिए ये 29 नंबर का सैंडल है, मुझे फिट तक नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन टाइट हुआ है। मेरा पैर बहुत लंबा है, टाइट 10 मेरा नंबर का आता है। सो गाइज मेरा आ गया सामान, तो आप लोग देखिए क्या क्या है सामान। चॉकलेट कैंडल, एक बैलून बड़ा वाला, फिर 99 ईयर्स की हो गई हूँ, और ये पर्क हो गया, और ये कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, कोल्ड ड्रिंक। तो ये है मेरा केक जो 900 का है। सो मैं गाइस ये 900 का केक ओपन करने वाली हूँ, देखते कैसा है। कि देख सकते हैं ये है मेरा केक, फर्स्ट टाइम एंड तल्ला केक है, डॉल केक है, 900 का, हैप्पी बर्थडे राधा का। और ये ज्वेलरी चॉकलेट खा रही थी, भाई खा लो अभी, खा लो पी। यहाँ पे मैं प्लेट सजा रही हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं ना मिलता। सो और यहाँ मेरी फ्रेंड लोग बैलून खुला रही है, ये देखिए बहुत सुंदर वो लोग डेकोरेशन की थी, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी डेकोरेशन था, और बहुत प्रिटी डेकोरेशन था। मैं फ़ोटो ऐड ज़रूर कर दूँगी, आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। और ये मैं हूँ, और एक सेकेंड, ये पूरा डेकोरेशन कितना सुंदर है। पीछे टैया जो था ना वो गिर गया था, बहुत मतलब गिर जाता है। ये लोग कितना सुंदर ये लोग डेकोरेट किए हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मेरी फ्रेंड दोनों बहुत सुंदर डेकोरेशन किए, हम कुछ नहीं किए, हम रेडी ही हो रहे थे उस दिन। अनफॉर्चुनेटली मेरा लाइट जो था ना वो बू दिया था, और ये मेरी फ्रेंड झाड़ू लगा रही थी, उसको हम क्या बोले, मना कि काम वाली आ गई थी, फिर भी वो झाड़ू लगा रही थी कि नहीं गंदा हो गया पूरा सरिया। तो ये मेरा बर्थडे का केक का स्लो मोशन है, स्लो मोशन।
तो गाइज मैं अपने बर्थडे का केक कटिंग तो नहीं कर सकती हूँ ना, डाल सकती हूँ कि उसमें फेस रिवील है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड केक कट चुका है, मेरी फ्रेंड पीसेस बाई पीसेस काट रही है। देखिए डॉल केक पता है, और ये डॉल केक तबाह हो गया, मतलब केक सब तो खाया, केक थोड़ा सा ही बर्बाद हुआ। बट मेरा क्या था ना कि लाइन कट गया था, और लाइन कटने के कारण पूरा फ्रीज में मेल्ट हो गया, और यहाँ मोमो चाउमिन खाया जा रहा है। तो मेरा गिफ्ट, मेरी दो बेस्ट फ्रेंड मुझे प्लाजो और कुर्ती दी थी, और दुपट्टा दी थी जो बहुत फिटी था। तो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, मेरी दोस्त उस चली गई है। ये कल की सुबह की ब्लॉग है जो मैं सुबह बैठ के खा रही हूँ, और मतलब मैं सब शूट कर ली थी, बट मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना, वीडियो एडिट करना बाकी था, और ये बारिश का आप लोग आनंद लीजिए। लेकिन मेरा मंडे को तो आप लोग को पता था कि सोमारी वाला, मंगल वाला, ट्यूसडे वाला आप लोग को तो व्रत वाला दिखाई थी। वेनेसडे को मैं थकी गई, वेनेसडे को भी मेरे को फीवर था, थर्सडे को फीवर था, फ्राइडे को सेलिब्रेशन था, और आज है संडे। सैटरडे को मतलब सोची थी, तो कल को भी मेरे को फीवर आया, 100 से फीवर था। तो ये पिज़्ज़ा पार्टी चल रहा है, मेरी मम्मी मेरा भाई दोनों खाया था मंडे को, मेरे बर्थडे के दिन पिज़्ज़ा, लेकिन हम नहीं खाए थे। तो कल पापा ज़बरदस्ती बोले पापा पिज़्ज़ा खिलाने, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए आप, मज़ा लीजिए ना, तो उसका डेट एक्सपायरी देख के मैं, ये मज़ा बहुत घटिया है जो मैं कोल्ड ड्रिंक पी नहीं। अब फिर भी मेरे पापा मेरे को बहुत डांटे, बहुत ज़्यादा ही डांटे हैं। आप लोग देख सकते हैं आगे के ब्लॉग में मैं कितना, अभी ये जो खाई हूँ नहीं कल रात का बता रही हूँ, इतना सारा मेरे लिए दवा आया है। मेरे पापा बहुत मुझे डांट के गए, मुझे रात भर ठंड लगी है। और ये देखिए दवा, मायूसी के साथ मुझे अभी भी मैं यहीं पे हूँ, और ये वाला यही अभी है, मतलब सीन चल रहा है। ये संडे का ही है, और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे लिए मैगी रोल बनाई थी जो बहुत टेस्टी रहता, पराठा के अंदर मैगी डाल के खाओ ना बहुत ही यम्मी लगेगा। सो गाइज आपको ये अच्छा लग रहा होगा मेरा प्यारा सी ये बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे और वीडियो है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि पनीर भुर्जी मैं कैसे बनाती हूँ, ऑमलेट जैसा पनीर भुर्जी रहता है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है। तो यहाँ पनीर भुर्जी रेडी हो गया, इसमें पहले अब रेसिपी दिख जाएगा आपको, वीडियो आगे पीछे हो जाता है, मसला हो जाता है, और मुझे उतना अच्छे से एडिट करने नहीं आता, बट खाना और ब्लॉग तो मेरा बहुत अच्छा ही रहता है। तो पनीर अब डाला जाएगा, प्याज व्याज मिर्च भून करती है, सिंपल है लेकिन सब बना लेगा। लेकिन हल्का ही रहने दीजिए, पूरा इसको फ्राई मत कीजिए, उससे क्या होता है ना बहुत चिम्मट चिम्मट टाइप का हो जाता है। तो ये देखिए पनीर फट गया है, ऐसे पनीर को फाट के छन्नी से निकाल लीजिए, और ये मेरे गार्डन में चलिए आप लोग, गार्डन मेरा प्यारा गार्डन। मैं आज भी मॉर्निंग वॉक नहीं की हूँ, 8:30 बज गया। चलो आज तो ब्लॉग कसम से चला जाएगा यूट्यूब पे, बर्थडे वाला अब मेरे को टेंशन नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। सो
गई तो मौसम का बहुत है। दवाइयाँ ले लो। और ये प्यारा सा आवाज में हम भी खाए होंगे गुड़ी। वहाँ मेरी मम्मी बोल रही थी तो उसके बाद मम्मी भी खाई थी। ये मेरी दादी भेजी थी वेनेसडे को, मतलब छोला भटूरा। मेरा बर्थडे के दिन तो मैं कुछ खा ही नहीं थी ना। सो गाइज, आपको ये कैसा लगा मेरा प्यारा सा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब से मैं YouTube ज्वाइन की हूँ बहुत ज़्यादा ही बीमार रहती हूँ, तो क्या YouTube देखने से नज़र लगता है? सो प्लीज़ ईविल आइज ऑफ, प्लीज़ नज़र न लगाओ कि जो अच्छा खाता है। भगवान आपको भी नसीब दे और सब कुछ दे, हमको भी दे और सबको सब चीज़ मिले, खुशी मिले। किसी की खुशी देख के हारो मत, क्योंकि पता है आप लोग को नहीं पता, किसी को देख के आप लोग कहते कि हाँ इसके पास ये है, उसके बाद पता है उन लोग के साथ बहुत बुरा होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे को बहुत कोई देख के जलता है बहुत ज़्यादा, इसलिए रेयर केस में मैं बीमार पड़ रही हूँ। पर मेरा इतना प्यारा सा ब्लॉग, आप लोग प्लीज़ ये मत सोचो कि लोग इतना अच्छा कोई खाता है, ये सोचो कि हाँ देखो ऐसा लाइफ बनाना, हम भी मेहनत करेंगे। और देखिए एक चीज़ है जो भगवान सबको देते हैं, आप भगवान को पूजा पाठ कीजिए, भगवान आपको सब देंगे। इसलिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को निगेटिव आई से मत देखना यार, क्योंकि मैं ऐसी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, मेरा फैमिली खुद बहुत परेशान रहता है। जो दिखता वैसा रहता नहीं है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइफ ब्यूटीफुल भी है पर डिफ़िकल्ट भी है, हर डे एक जैसा नहीं होता। सो गाइज, आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा छोटा सा ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ईविल आइज ऑफ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और भगवान करे सबको दे, खुशियाँ दे और हमें बुरी नज़रों से बचाए। आमीन आमीन आमीन।